हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसके माध्यम से आप कोई भी गवर्नमेंट नौकरी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो यह वेबसाइट आपको सरकारी नौकरी दिलाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इस वेबसाइट की मदद से आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी के साथ पा सकते हैं। भारत सरकार कोई भी नोटिफिकेशन निकालेगी, कोई भी अगर सरकारी नौकरी निकालती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, और ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में अपने गूगल अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल के सर्च वाले ऑप्शन में आपको टाइप करना है सरकारी। दोस्तों, आप यहाँ पे सरकारी टाइप कर लीजिए, और उसके बाद टाइप कर देना है रिजल्ट, RESULT, सरकारी रिजल्ट दोस्तों टाइप कर लेना है। मैं एक बार आपको यहाँ पे एक लाइन खींच के दिखा भी देता हूँ। सरकारी रिजल्ट टाइप कर लीजिए और इसको सर्च कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सरकारी रिजल्ट टाइप करके सर्च करेंगे, आपके पास एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा sarkaririzult.com, सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म रिजल्ट 2020। इस पे दोस्तों हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से आप यह पता कर पाएंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन सी नई गवर्नमेंट योजनाएँ निकाली हैं, कौन कौन से नए फॉर्म निकाले हैं गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पे देख सकते हैं, तथा साथ ही साथ आप यह भी पता कर सकते हैं गवर्नमेंट ने किस चीज़ का रिजल्ट निकाला है। आपने अगर कोई एग्जाम दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट भी दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का। दोस्तों, यहाँ से ओनली आप गवर्नमेंट सरकारी जितनी नौकरियाँ होती हैं, जितनी नियुक्तियाँ होती हैं, उनकी आप तमाम जानकारियाँ दोस्तों यहाँ से पता कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको पेज का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको तीन भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया है। पहला रिजल्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपने गवर्नमेंट फॉर्म भरे हुए हैं सरकारी नौकरी के लिए, और जिनका जिनका रिजल्ट आ गया है, उनका सारा डिटेल दोस्तों इसके नीचे दिखाई देगा। और एडमिट कार्ड, अगर आपने दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आप उसका एडमिट कार्ड चेक करना चाहते हैं, तो इस वाले में दोस्तों आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कराने वाले हैं, उन सबका एडमिट कार्ड दोस्तों इस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देता है लेटेस्ट जॉब का। अगर आप चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने कौन से फॉर्म निकाले हैं, कोरोना के लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट बहुत सारे दोस्तों फॉर्म निकाली हुई है, यदि आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं घर बैठे, तो दोस्तों लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन थे, यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ का जॉब निकाला हुआ है, तो तमाम जानकारियाँ दोस्तों आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए कोई आपने एग्जाम दे दिया और आंसर की चाहते हैं, अपना उत्तर मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आंसर की का ऑप्शन आता है। यहाँ से दोस्तों आप आंसर की पता कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ का आंसर की रिलीज कर दिया है, ऑफिशियल आंसर की किन किन चीज़ों का आ चुका है, ये तमाम जानकारियाँ दोस्तों आप यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं कि आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम का फॉर्म भर दिया, आपने किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर दिया, तो उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सिलेबस वाले ऑप्शन में आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म का यहाँ से आप सिलेबस पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप बहुत सारी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ पता कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको एक दो फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्म आया हुआ है इंडियन पोस्ट GDS अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पे UPPCL टेक्नीशियन अप्लाई ऑनलाइन का, SSC CPU SI अप्लाई ऑनलाइन का। चलिए मैं यहाँ पे UPSSC CPU SI का दोस्तों मैं फॉर्म यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो चलिए CPU SI वाले फॉर्म को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और इसके बारे में आपको बताता हूँ कि आप कैसे तमाम जानकारियाँ पता कर सकते हैं। तो जैसे मैं दोस्तों SSC CPU SI वाले फॉर्म पर क्लिक करूँगा, कुछ समय के अंतर्गत दोस्तों ये पेज हमारे मोबाइल में खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो पेज को मैं जूम कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी आता रहता है तो आपको कैंसिल कर देना होता है। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं SSC CPU SI का फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, पोस्ट डेट है 17 जून, पोस्ट अपडेट है 19 जून को अपडेट हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना का चालान है, सब दोस्तों यहाँ पे जानकारियाँ पता कर सकते हैं। अप्लीकेशन 17/6/2020 से भरा जा रहा है और 16/7/2020 तक भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल का फीस है 100 रुपये, SC ST का 1 रुपये का फीस नहीं लगेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसको और नीचे ले जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसियाँ हैं, यहाँ से आप टोटल वैकेंसी पता कर सकते हैं। एज अगर पता करना है आपको कि किस एज ग्रुप के लोग इसको भर सकते हैं, तो यहाँ से आप एज ग्रुप पता कर सकते हैं दोस्तों। जो दोस्तों यहाँ से आप सारी तमाम जानकारियाँ पता कर सकते हैं, और नीचे भी आप दोस्तों देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन अगर आपको करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म को ऑनलाइन भर भी सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे दोस्तों देखिए तमाम जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हुई हैं। सारे प्रक्रिया दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को यहाँ से इस वेबसाइट की मदद से फिलअप भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आई हुई है, किस चीज़ की कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से फॉर्म आए हुए हैं, किस का आपने अगर कोई पेपर दिया है तो उसका रिजल्ट कब आने वाला है या आया है कि नहीं आया है, अगर आपने कोई एग्जाम दे दिया है तो उसकी आंसर की भी जानकारी दोस्तों आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।